क्वेश्चन नंबर टेन सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेटर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एच ई जी एफ देखो यहाँ डी सी डी सी ये लाइन इस एंगल को कर रही है सी को यानी ये दोनों एंगल एंगल वन इक्वल टू एंगल टू हमें गिवन है क्योंकि ये सी डी बाइसेकटर है और सेम ऐसी एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर ये भी आपस में इक्वल है क्योंकि यहाँ पे एच जी बायसेक्टर है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल आ गए आगे है डी एन एच आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ई एफ ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ जी रिस्पेक्टिवली इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी देखो ए बी सी एफ ई जी के सिमिलर है इसका मीनिंग ये होगा अगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ होगा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा और एंगल सी इक्वल टू एंगल जी होगा क्योंकि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो यहाँ पे देखो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है सी डी अपॉन जी एच सी डी हमारे ये बीच की लाइन है और जी एच यहाँ पर बीच की लाइन है ए सी अपॉन एफ जी ए सी देखो ये ऊपर वाले ट्राइंगल की लाइन और ये इट मीनस अगर हम ऊपर वाले ट्राइंगल को इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल सिमिलर कर दें तो फर्स्ट पार्ट ईजीली आ सकता है देखो उसके लिए एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ पहले से ही है क्योंकि यहाँ देखो ट्राइंगल सिमिलर हैं और ट्राइ सिमिलर में एंगल ए इक्वल टू एंगल है पहले पता लग जाएगा हमें साथ में हमें एक एंगल और ढूंढना पड़ेगा तो कोई कंप्लीट एंगल सी कंप्लीट एंगल जी के इक्वल है तो उसका अगर हाफ करेंगे तो एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री आ जाएगा हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं सिंस ट्राइंगल सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ जी है एफ ई जी है दे फोर फोर एंगल सी इक्वल टू एंगल जी सी पी एस टी लिख सकते हो कॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल या पूरा लिख दो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल अब इसका हाफ भी इक्वल होगा हाफ सी इक्वल टू हाफ जी जिस एंगल का पूरा पूरा इक्वल है उसका हाफ भी इक्वल होना चाहिए और हाफ सी की जगह हम एंगल वन ले सकते हैं ये वाला तो एंगल वन इक्वल टू और वहां पे एंगल थ्री आ गया तो ये आ गया यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि सी डी इज बाई सेक्टर ऑफ इज बाई सेक्टर ऑफ एंगल सी एंड जी अच बाई सेक्टर ऑफ एंगल जी अब इसके बाद देखो अब आते हैं हम इस ऊपर वाले ट्राइंगल पे इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच जी देखो एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री ये हमने ऊपर प्रूव किया है प्रूवड अबाउ। और दूसरा एंगल एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हमें गिवन है क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी देखो दो एंगल इक्वल आ गए दे आर फोर बाई ए ए सिमिलरिटी ए ए प्रॉपर्टी ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ एच जी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए अब इनका हम रेशो निकालते हैं रेशो निकालेंगे तो देखो यही रेशो आएगा सी डी अपन जी एच देखो यहाँ से सी डी लिया सी डी अपॉन तो यहाँ से देखो जी एच आ जाएगा ये जी एच इक्वल टू फिर आगे है ए सी अपॉन एफ जी ए सी यानी फर्स्ट थर्ड लेते हैं हम ए सी अपॉन तो यहाँ पे देखो एफ जी अपने आप आ रहा है एफ जी तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ रीज़न क्या होगा सी पी एस टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल तो ये हो गया प्रूव साथ ही साथ हमने थर्ड पार्ट भी प्रूव कर दिया देखो डी सी ए डी सी ए यही ऊपर वाला ट्राइंगल है इस सिमिलर ट्राइंगल एच डी एफ तो ये भी प्रूव हो गया तो पहले हमने थर्ड पार्ट को प्रूव किया उसके बाद ही हमारा फर्स्ट पार्ट आया है अब हमें प्रूव करना है सेकेंड पार्ट को डी सी बी मतलब नीचे वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है देखो नीचे वाले ट्राइंगल के लिए हम यहाँ सेपरेटली करते हैं इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई एच जी ई एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर यह हम पहले प्रूव कर चुके हैं या मेंशन कर सकते हो सी डी इज बाई सेक्टर ऑफ दिस एंड ये एच जी इज बाई सेक्टर ऑफ एंगल जी और साथ में एंगल बी इक्वल टू एंगल सी सॉरी एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इसका रीजन क्या होगा इसका रीजन होगा कि ट्राइंगल सिमिलर हैं ये यह रीज़न यहाँ पे आ जाएगा इसका के ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ जी एच अब यहाँ भी देखो दो एंगल इक्वल आ गए दो एंगल इक्वल आ गए इट मीन्स ये ट्राइंगल इसके सिमिलर हो गया हमें सिर्फ दो एंगल इक्वल करने होते हैं बस इस ट्राइंगल का एक एंगल ये एंगल नंबर फोर इस ट्राइंगल के एंगल नंबर टू के इक्वल हो गया और साथ में बी एंगल ई के हो गया क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर थे इसलिए ये सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया